HBN न्यूज, जो सच वही खबर। पिछले दिन हुई संत सिंगाजी विद्युतता परियोजना के सेकंड फेज में डीएम प्लांट के जलाशय में डूबने से मुंदी के युवक ओम प्रकाश पिता सुरेश पटेल उम्र 25 साल की मौत के बाद मृतक युवक के साथियों और प्लांट के ठेकेदार सहित अधिकारी कर्मचारी के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसके चलते दूसरे दिन परियोजना के कर्मचारी अधिकारी एकत्रित होकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मारपीट एवं उत्पात मचाने वाले युवकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का एक ज्ञापन लेकर पहुंचे। खंडवा जिले में बिजली उत्पादन के लिए ग्राम डोंगालिया के पास बनाई गई संत सिंगाजी ताप परियोजना में एक युवक की डीएम प्लांट के जलाशय में डूबने के कारण मौत हो गई। यह खबर जैसे ही युवक के साथ काम करने वाले मजदूरों को और मुंदी में रहने वाले उसके परियोजना सहित दोस्तों ने शव संत सिंगाजी विद्युत परियोजना के मुख्य गेट पर रखकर अधिकारियों से बात करने एवं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने हेतु मौके पर आकर बात करने के लिए बुलाया था। अधिकारियों के काफ़ी देर बाद आने से साथी मजदूरों सहित युवक के दोस्तों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ मामला हाथापाई पर उतर आया। वहीं इसी बीच किसी शरारती तत्वों ने परियोजना से बन रही बिजली को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे परियोजना से बनने वाली बिजली बनना ठप हो गई। मारपीट शिकायत दोनों पक्षों ने थाना मुंदी में की थी। आज उसी को लेकर परियोजना के अधिकारी कर्मचारीगण एकत्रित होकर जिला कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल के नाम परियोजना में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। खंडवा से जिला ब्यूरो राजेश राठौड़ के साथ तहसील रिपोर्टर फरीद मंसूरी की रिपोर्ट।